हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज कुछ लिटरेरी टर्म्स। आज कुछ आपको यूके एलटी के बैच के बारे में बता दूँ, ये जो लिटरेरी टर्म्स हैं ये हेल्पफुल हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए। बेसिकली ये DSSB और यूके एलटी के लिए मैं करवा रही हूँ। तो अभी जो ये लिटरेरी टर्म्स हैं, जैसे कैटास्ट्रॉफ, अवॉन्गार्ड, एटमॉस्फेयर, असाइड और एक्शन, ये मैं आप लोगों को करवाऊँगी। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये DSSB के बैच के बारे में, हमारा DSSB का बैच जो है वो चल रहा है। और आप इस बैच को, तीन तरीके के बैच हैं हमारे ये। एक है वीडियो बैच, जिसमें सारे लेक्चर्स ऑलरेडी हैं और आप उन लेक्चर्स को अपने हिसाब से देख सकते हैं, उनका नोट्स आपके घर पर आते हैं। जो लोग बैच खरीदते हैं उनके पास, उनको बुक फॉर्म में नोट्स मिलते हैं। दूसरा है वीडियो बैच, सॉरी दूसरा है लाइव बैच, सिर्फ लिटरेचर का। उसमें लिटरेचर की ही क्लासेस होती हैं केवल, और वो भी उसके लिटरेचर के नोट्स स्टूडेंट्स के पास जो है वो पहुंच जाते हैं जो बैच खरीदते हैं। तीसरा है लिटरेचर और ग्रामर दोनों का, और उसमें लिटरेचर ग्रामर दोनों के नोट्स जाते हैं और वो बैच में लिटरेचर ग्रामर दोनों की क्लासेस होती हैं। बैच में अगर जो भी क्लासेस हो गई हैं उनका बैकअप आपको मिलता है, वो सारा बैकअप आपके पास रहता है। डे वन से सारा बैकअप आपके पास रहता है। इसके अलावा आप इसमें आपको टाइम टू टाइम ऑनलाइन टेस्ट जो हैं वो मिलते हैं, टेस्ट पेपर्स जो हैं वो उसमें डलते रहते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं उसको करते रहते हैं। टेस्ट पेपर्स वगैरह जो ये सारी चीज़ें हैं ये केवल और केवल इसके लिए ही नहीं है, ये ऑफलाइन ये जो है वो वीडियो बैच के लिए भी है जो टेस्ट पेपर्स डलते रहते हैं, और ये इस वाले बैच के लिए भी हैं जो टेस्ट पेपर्स डलते रहते हैं। ठीक है जी, अब मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगी, एक हमारा जो ये नया बैच है इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। पहली बात, यूके एलटी की वैकेंसी जो है वो डिक्लेयर हुई है। यूके एलटी का जो वैकेंसी है उसके लिए कुछ कुछ मेन जो पॉइंट्स हैं वो, पहली बात, इसमें अप्लाई वही कर सकते हैं जो उत्तराखंड के निवासी हो या उन्होंने उत्तराखंड से अपनी कोई डिग्री ले रखी हो, तो इसमें ये सभी स्टेट्स के लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज, उत्तराखंड का जो एलटी है इसमें 50 नंबर का फर्स्ट पेपर है, 50 नंबर का सब्जेक्ट कंसर्न्ड है। हम लोग जो तैयारी करवा रहे हैं सब्जेक्ट कंसर्न्ड की करवा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही हम इसमें आपको क्या दे रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो पेपर है जो पहले मैंने आपको बताया, इसकी जो पहली जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो ये है कि आपको इसमें सीटेट सेकेंड पेपर या यूके एलटी का टेट क्लियर होना चाहिए। यूके एलटी का 50 मार्क्स का फर्स्ट पेपर है, 50 का सब्जेक्ट कंसर्न्ड है, 100 मार्क्स का पेपर है जिसमें सब्जेक्ट कंसर्न्ड और जो है जीएस वगैरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो अब आप लोगों का जो ये है, हम इसमें क्या करवाते हैं, देखिए ये जो बैच है ये एक अलग ही तरीके का बैच है हमारा। इसमें लिटरेचर और ग्रामर है, जिस तरीके का सिलेबस है, 7 यूनिट्स में सिलेबस है, 7 यूनिट्स के हिसाब से ही हमने ये बैच बनाया है। इसमें यूनिट वाइज हम लोग वीडियो लेक्चर्स एंड लाइव दोनों तरीके के इसमें हैं। अब इसमें वीडियोस हैं, जो जितना मटेरियल वीडियोस में अवेलेबल है वो वीडियोस में डाला गया है। जहां लाइव क्लास की ज़रूरत है वहां लाइव क्लास स्टूडेंट्स को दी जाएगी। भाई जो टॉपिक्स हमारे पास नहीं है या लाइव में ही कवर करवाने हैं वो टॉपिक स्टूडेंट्स को लाइव में कवर करवाए जाएंगे। ये इस क्लास के नोट्स PDF फॉर्म में स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। इसके नोट्स बुक फॉर्म में नहीं है, इसके नोट्स PDF फॉर्म में स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। ठीक है, लाइव और वीडियो दोनों तरीके का ये बैच है कि जो हमारे पास अवेलेबल मटेरियल है वो वीडियो में, अगर जरूरत पड़ी तो भाई उनको भी लाइव में, और जो लाइव में पढ़ाना है वो लाइव में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, इसके साथ इन स्टूडेंट्स को एक इसमें टेस्ट सीरीज भी जो है वो मिल रही है जो उनके फर्स्ट पेपर के लिए हेल्पफुल है। ये टेस्ट सीरीज तो इस तरीके की है कि ये फर्स्ट पेपर हो और इसके लिए किसी भी इसके सबके पेपर के लिए उनको मिल रही है। ये फ्री, मतलब इसमें फ्री में क्या कहूँ, ये इसमें इंक्लूडेड है। जो लोग ये खरीदते हैं ये टेस्ट पेपर भी उनको, ये जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है ये भी उनको मिलती है। तो ये था हमारा यूके एलटी का बैच। अब आप कहाँ देखेंगे, आपको क्या करना है कि आपको इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना है, स्टोर में जाइए और स्टोर में जाके DSSB का बैच देखिए, यूके एलटी का बैच देखिए। आप जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हो आप वो वाला जो है वो फॉर्म, उसमें आप जिस जो फॉर्म आपने भरा हो या भरने जा रहे हो, भाई अब तो यूके एलटी का ही भरा जाएगा,
तो आप वो खरीद सकते हैं और कंटेंट में देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। और मैं फिर दोबारा से कह रही हूँ कि इसमें फ्री ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज़ है वो फर्स्ट पेपर के लिए, वो किसी भी एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर के लिए बहुत हेल्प, लेकिन अलग से निकाल के नहीं दे सकते, ठीक है। सिर्फ पीडीएफ नोट्स नहीं बेच सकते, जो लोग पढ़ रहे हैं नोट्स भी उन्हीं को मिलते हैं भैया। अब यही है, हम ऐसे ही करते हैं, अब क्या कह सकते हैं। तो UKLT का बैच है और DSSSB का बैच है, दो बैचेस है, चॉइस इज योर्स। आप देखिए, आइए, ऐप पर आपका स्वागत है। ऐप डाउनलोड करिए और ऐप डाउनलोड करने के बाद एक्सप्लोर करिए, अच्छा लगे ठीक है, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं, ठीक है जी। अब चलिए, इसके साथ ही आज जो मुझे लिटरेरी टर्म्स पढ़ानी है, वो लिटरेरी टर्म्स जो है मैं यहाँ से मुझे पढ़ानी है, ये है लिटरेरी टर्म्स। तो आज मैं आप लोगों को लिटरेरी टर्म्स पढ़ाने जा रही हूँ। अब आप यहाँ पर ये लिटरेरी टर्म्स देखिए, सबसे पहले जो हमारी लिटरेरी टर्म है वो है एक्शन। एक्शन का क्या मतलब होता है आपके दिमाग में? जैसे ही मैंने बोला एक्शन, एक्शन से आपके दिमाग में क्या चीज आई? टू बेसिक मीनिंग्स मे बी डिस्टिंग्विश, द मेन स्टोरी इन सिनेमेटिक जार्गन स्टोरी लाइन। पहले आया स्टोरी लाइन, क्या कहानी जो है, क्या कथानक है, प्ले का, नॉवल का, शॉर्ट स्टोरी का, नैरेटिव का। दूसरा, द मेन सीरीज ऑफ इवेंट्स, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो इवेंट्स होते हैं और वो प्लॉट बनाते हैं। पहले मेन स्टोरी, या दूसरा जो इवेंट्स हैं मिलकर एक पूरी एक कहानी जो है वो बनाते हैं। एक्शन इज फंडामेंटल टू ड्रामा एंड इम्प्लाइज मोशन फॉरवर्ड। एक्शन ड्रामा का एक इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल जो है वो फीचर है। एक्शन से ही जो है ड्रामा आगे बढ़ता है। मच एक्शन इज अचीव्ड विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑन स्टेज और इवन विदाउट एनीथिंग बीइंग सेड। बहुत सारा एक्शन तो बिना कोई फिजिकल मूवमेंट करे, बिना कुछ करे भी जो है वो हो जाता है। एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एक्शन इज द अनफोल्डिंग ऑफ। एक्शन का एक मेन जो है वो आप कैरेक्टर को जब खोलना शुरू करते हैं, प्लॉट कहानी को आप जब बताना शुरू करते हैं, तो उससे भी जो है आप जो है एक्शन जो है उससे पता चलता है। तो बेसिकली एक्शन क्या है, जैसे ही हम बात करते हैं कि एक्शन क्या है, तो एक्शन से आता है कि मेन स्टोरी लाइन, और दूसरा क्या आया मेन स्टोरी लाइन के साथ, तो छोटे छोटे इवेंट्स जिससे मिलकर प्लॉट बनता है। एक्शन फंडामेंटल होता है ड्रामा के लिए। बहुत सारा एक्शन तो बिना कहे भी हो जाता है, और वो जो है कैसे, व्हेन यू अनफोल्ड अ कैरेक्टर, जब आप कैरेक्टर के बारे में बताते हैं और प्लॉट कहानी के बारे में बताते हैं। दूसरी लिटरेरी टर्म है असाइड। असाइड, कोने में जाके बात करना। इन ड्रामा अ फ्यू वर्ड्स और अ शॉर्ट पैसेज स्पोकन इन एन अंडरटोन और टू द ऑडियंस। ड्रामा में ना जो कुछ शब्द होते हैं या एक छोटा सा पैसेज होता है जो कोने में जाके ऑडियंस से बात करी जाती है, इट इज अ थिएट्रिकल कन्वेंशन। ये थिएटर का कन्वेंशन है। एंड बाय कन्वेंशन, एंड बाय कन्वेंशन द वर्ड्स आर प्रिज्यूम्ड इनऑडिबल टू अदर कैरेक्टर। और ये ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे ये जो असाइड, जो बोलने वाला कलाकार है ना, जो बोल रहा है दूसरे को सुनाई नहीं दे रहा। अनलेस ऑफ कोर्स द असाइड बिटवीन टू कैरेक्टर्स एंड देयर फॉर क्लियरली नॉट मेंट फॉर एनी वन। अनलेस ऑफ कोर्स असाइड हो सकता है कभी कभी दो कैरेक्टर्स के बीच में भी हो जाए, एंड देयर फॉर इट क्लियरली नॉट मेंट फॉर एनी वन एल्स हु मे बी प्रेजेंट। अगर दो कैरेक्टर्स आपस में चुपके चुपके बात कर रहे हैं, तो बाकी के कैरेक्टर्स ये दिखाएंगे जैसे उनको वो बात समझ में नहीं आ रही है। इट वॉज इन कंटिन्यूअल यूज अंटिल अर्ली इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी तक इसको असाइड को यूज किया जाता था कॉमेडी और मेलोड्रामा में। द एडवेंट ऑफ नेचुरलिस्टिक ड्रामा, लेकिन जैसे ही नेचुरलिस्टिक ड्रामा आया तो ये फिर खत्म हो गई। असाइड जो है वो पूरी तरह से खत्म जो है वो हो गया। हालांकि आज भी ये पेंटोमाइम में और फार्स में इसको यूज किया जाता है। तो अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो क्या है, देखें एक बार फिर दोबारा से। इन ड्रामा अ फ्यू वर्ड्स, ड्रामा में जो कम शब्द होते हैं, छोटे थोड़े से शब्द होते हैं, पैसेज होता है जो इन एन अंडरटोन और टू द, जो मुंह दबा के बोले जाते हैं या ऑडियंस से बोले जाते हैं, इट इज अ थिएट्रिकल कन्वेंशन। ये थिएटर का एक जो है वो डिवाइस है। अदरवाइज हाउ वुड ऑडियंस नो अबाउट द अपकमिंग थिंग, अबाउट कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, या किसी के जो
थॉट्स हैं, हाउ वुड ऑडियंस नो अबाउट द थॉट्स दैट आर गोइंग थ्रू, दैट आर गोइंग इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टर, तो कैसे पता चलेगा? असाइड से पता चलता है. और ये जब असाइड कोई बोलता है तो ये कन्वेंशन है कि द वर्ड्स आर प्रिज्यूम इनऑडिबल टू अदर कैरेक्टर्स ऑन स्टेज, कि वो अदर कैरेक्टर जो है वो नहीं सुन रहे हैं. और अगर ये असाइड दो लोगों के बीच में है तो अगर तीसरा प्रेजेंट है तो वो ऐसे दिखाता है जैसे उसको सुनाई नहीं दे रहा हो. 20th century तक ये असाइड बहुत कॉमन था, लेकिन जब नेचुरलिस्टिक ड्रामा आया तो ये ख़त्म हो गए. हाँ, आज भी ये पेंटोमाइम और फार्स में यूज किए जाते हैं. चलिए नेक्स्ट जो हमारी लिटरेरी टर्म है वो है एटमॉस्फेयर. अब मैंने आपसे बोला एटमॉस्फेयर, तो आपके दिमाग में एटमॉस्फेयर सुनते ही क्या शब्द आया? माहौल. तो एटमॉस्फेयर, जब आप जैसे जूलियस सीजर आपने, सॉरी जूलियस सीजर कह रही हूँ, रोमियो एंड जूलियट आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी. तो रोमियो एंड जूलियट में जब शुरुआत होती है तो उसमें जो कोरस है वो एक सॉनेट जो है वो बोलते हैं जिसमें स्टार क्रॉस लवर्स के बारे में बात करते हैं. तो जो टोन है ना, जो एटमॉस्फेयर है, बड़ी फोर शेडोइंग सी है, यानी कि आगे आने वाले समय में मतलब कुछ बुरा होने वाला है उसके बारे में बताती हुई. तो पहले ही एटमॉस्फेयर कैसा हो गया? एक गहरा एटमॉस्फेयर है. तो मूड एंड फीलिंग, द इनटेंजिबल क्वालिटी विच अपील्स टू एक्स्ट्रा सेंसरी एज वेल एज सेंसरी परसेप्शन. एक मूड, एक फीलिंग, एक ऐसी चीज जो हमारे सेंस और हमारे मन को जो है वो एक छूता है. इवोक्ड बाय अ वर्क ऑफ आर्ट. जब हम कोई वर्क ऑफ आर्ट देखते हैं तो उसको देख के हमें जब पता चल जाता है कि एटमॉस्फेयर कैसा है, उसको देख के जब पता चल जाता है. फॉर इंस्टेंस द ओपनिंग सीन इन हैमलेट. जब आप हैमलेट पढ़ते हैं तो वहां पे वॉच को दिखाया गया है, टेंस है, वॉच टेंस है. इवन जंपी, वॉच के लिए बोला गया एप्रिहेंसिव जंपी. और तो इसे हमें पता चल जाता है कि हैमलेट जो है वो बहुत ही भारी, एक ट्रेजेडी जो है होने वाला, तो एटमॉस्फेयर कैसा भारी. अगर आप बेन जॉनसन का एल्केमिस्ट पढ़ते हैं, द प्ले इज गोइंग टू बी कॉमिक टू द पॉइंट ऑफ नॉकअबाउट. माहौल से आपको शुरुआत में ही पता चल जाता है कि प्ले जो है बहुत ही कॉमिक प्ले होने वाला है. एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल इन द नॉवल्स इज हार्डीज डिपिक्शन ऑफ एग्डन हीथ इन द रिटर्न ऑफ. एग्डन हीथ का जो वर्णन है उससे आपको ये पता चल जाता है कि आगे जाके स्टोरीज किस प्रकार की होंगी. आपका जो नेक्स्ट है, ये आपने वर्ड अगर सुना, अवांटगार्ड, समय से पहले समय से आगे. एन इम्पॉर्टेंट एंड मच यूज टर्म इन द हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. ये एक बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला टर्म है हिस्ट्री में, आर्ट्स में और लिटरेचर में यूज किया जाता है. ये आया कहाँ से है? मिलिट्री ओरिजिन. इसका ओरिजिन कहाँ से है? मिलिट्री ओरिजिन है. इसका मतलब है एडवांस गार्ड. अब जब हम इसे आर्ट या लिटरेचर में इसको अप्लाई करते हैं, इट डिनोट्स एक्सप्लोरेशन, पाथ फाइंडिंग, इनोवेशन, इन्वेंशन. तो ये ना एक्सप्लोर करता है, खोजता है. और जो है इसके अलावा ये जो है पाथ फाइंडिंग, इनोवेशन एंड इन्वेंशन, ये एक नई चीजें जो है वो बताता है. समथिंग एडवांस्ड, जो अपने समय से आगे चलने वाली चीजों को ये बताता है. एवांटगार्ड का मतलब होता है समय से आगे, लिटरेचर में समय से आगे चलने वाले जो आइडियाज है उन्हें एवांटगार्ड जो है वो कहा जाता है. एंड नाउ द नेक्स्ट जो लिटरेरी टर्म है आज की है कैटास्ट्रोफ, द ट्रेजिक डिनूमे ऑफ. कैटास्ट्रोफ का मतलब जो होता है, लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है बहुत बड़ी मुसीबत. द ट्रेजिक डिनूमे ऑफ अ प्ले और स्टोरी, फॉर एग्जाम्पल द मूर्स मर्डर ऑफ डेस्डेमोना एंड हिज ओन सुसाइड एट द क्लाइमेक्स ऑफ ऑथलो. भाई देखो, कैटास्ट्रोफ है जब हीरो जो है वो एक मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? कैटास्ट्रोफ जो है वो कहा जाता है. हीरो जब मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे भाई ऑथलो जो है वो डेस्डेमोना को मारता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि मैं, उसको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, वो मेरे प्रति जो है इनफिडेल है, तो वो उसको मार देता है और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लेता है. ये बहुत बड़ी मुसीबत है, दैट इज कैटास्ट्रोफ.
आप जितने भी ट्रेजेडीज देखेंगे जिसमें भी हीरो के साथ बुरा होता है, दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफ, जो है वो उसे कहा जाता है। तो ये आज कुछ हमने लिटरेरी टर्म्स जो हैं वो लिए। तो अब मैं आपको, अगर मैं इनके आपसे जो है क्वेश्चंस वगैरह पूछना चाहूँ तो मुझे पता है आप तो बता ही दोगे। अब मैं अपनी किताबें वताबें ऐसी ढूंढती फिरती रहती हूँ, तो मैं सोच रही थी अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस मिल जाते, लेकिन अब मेरी किताब जो है जब मिलेगी तब मिलेगी। तो मैं अब आप लोगों को इसी तरीके से, ये एक छोटा सा सेशन था आज, हार्डली 15 मिनट्स का सेशन था जिसमें मैंने कुछ लिटरेरी टर्म्स आप लोगों को करवाई हैं। और ये जो लिटरेरी टर्म्स हैं ये बेसिकली UKLT के उसमें दे रखी हैं, तो मैंने ये करवाई हैं। और इसके साथ ही ये लिटरेरी टर्म्स तो किसी भी जो टीचिंग बेस्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछी ही जाती हैं, तो इसलिए मैंने इसको करवाया। थैंक यू वेरी मच। छोटा सा सेशन है, हेल्पफुल रहे सेशन आपके लिए। अब ग्रामर और लिटरेचर, ये आज जो सेशन था ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वाला सेशन था, और इसके साथ ही अब क्वेश्चंस वाला सेशन भी मैं आप लोगों के साथ लेकर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।